और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 36 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस राजस्थान से सामने आए हैं। 36 केसेस कोरोना पॉजिटिव के नए राजस्थान से आज सामने अभी तक आ गए हैं। प्रदेश में कुल 80 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। 36 केसेस अभी सामने आए। जोधपुर जिले से 30, भरतपुर से 17, नागौर से 12 और जयपुर से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कुल 36 मरीज अभी सामने आए हैं राजस्थान से। भीलवाड़ा, जैसलमेर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ से भी एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला और प्रदेश में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 1431 पर पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 23 लोगों की मौत भी हो गई है। राजस्थान में 36 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज प्रदेश में कुल अभी तक 80 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ गए और जोधपुर जिले से 30, भरतपुर से 17, नागौर से 12 कोरोना पॉजिटिव, जयपुर से भी 7 कोरोना पॉजिटिव, सवाई माधोपुर पहली बार यहां पर पहली दफा 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज, भीलवाड़ा, जैसलमेर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ से भी एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज, भीलवाड़ा जो कि कोरोना मुक्त कर दिया गया था एक और संक्रमित वहां पर पाया गया है। प्रदेश में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है 1431 उनकी संख्या। लोकेश ओला हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अधिक जानकारी के साथ में सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, 80 केसेस अभी तक हो गए हैं, 36 केसेस अभी बढ़ चुके हैं, राजस्थान में काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्या रणनीति रहेगी और युद्ध स्तर पर किस तरीके से कार्य किया जाएगा? चूंकि कल तो मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने जा रहा है तो कहीं ये जो रियायतें हैं वो भारी ना पड़ जाए हम सभी पर। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है उसी में आज 80 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। अब तक 2 बजे तक की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 80 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। हालांकि देख और अब तक जो प्रदेश के जो 26 जिलों में कोरोना का जो कहर है वो लगातार अब बढ़ गया है। और बात करें तो आज एक और जो 26वां जो जिला है सवाईमाधोपुर, उसमें आज एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जहां 2 बामनवास और 2 गंगापुर सिटी से कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इस तरह से अब 26 जिलों में कोरोना पॉजिटिव अब सामने आ चुके हैं। और ऐसे में सबसे अधिक जो कोरोना का कहर वर्तमान में देखा जाए तो जो भरतपुर में वहाँ देखा जा सकता है। भरतपुर में 102 कोरोना पॉजिटिव सामने अब तक आ चुके हैं, यानी कि आज 17 कोरोना पॉजिटिव भरतपुर में आए हैं। वहीं जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी 210 कोरोना पॉजिटिव है अब तक सामने आ चुके हैं। आज 27 कोरोना पॉजिटिव जोधपुर से सामने आए हैं। इस तरह से भीलवाड़ा में जहाँ अब तक पिछले 10 दिन से कोई कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया था और वहाँ पर भी आज एक कोरोना पॉजिटिव सामने आया। ऐसे में लगातार जो कोरोना का ग्राफ है बढ़ता जा रहा है और अब प्रदेश में 23 कोरोना पॉजिटिव की मौत अब तक हो चुकी है। जयपुर में उनकी बात करें तो मौतों की तो 13 जयपुर में ही कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। हालांकि जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव की मौत है उनमें सब 50 साल से अधिक उम्र के हैं, लेकिन केवल एक जो 13 साल की बच्ची थी उसकी मौत हुई थी जयपुर में, उसके अलावा सबकी उम्र 50 साल से ऊपर है। जी जी लोकेश, आपसे 2 सवाल मेरे और रहेंगे इस पूरी खबर पर। चूंकि कोरोना तो यहाँ पर चुनौती हम लोगों के लिए है ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर जो है, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश भर से टोंक का जो अभी पिछला वाक्या रहा आप जानते होंगे उसके बारे में, किस प्रकार से यहाँ पर धर्म के चश्मे से उस चीज को देखा जा रहा है, उसी बीच में यहाँ पर कुछ लोगों के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनका मखौल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है? और कोरोना से निपटने के लिए तो युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, हम सभी इस चीज से वाकिफ है, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों से मानवता को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। लोकेश जी, बिल्कुल मानवता को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से उनको आगे फील्ड में काम करना है और किस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान मानवता को बचाते हुए एक युद्ध स्तर पर काम करना है। उन सभी तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिला प्रशासन के अधिकारियों से समन्वय करके बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से वार्ता कर रहे हैं, पुलिस को निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरह से इन सभी कानून व्यवस्था को बनाए रखे, द्वारा 144 को किस तरह से पालना करवाई जाए, इन सभी बातों को लेकर लगातार निर्देशित कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ जिस तरह से मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर जो बात की जा रही थी उसमें सवाईमाधोपुर में अब तक जहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आ रहा था सामने, और वहाँ पर अगर मॉडिफाइड लॉकडाउन का अगर 2 दिन को और केस नहीं आया था और बाद में अगर आता तो एक बड़ा खामियाजा या फिर गंभीर जो चुनौती है सवाईमाधोपुर के लिए भी बढ़ सकती थी, लेकिन 2 कोरोना
गंगापुर सिटी और दो जो बामनवास से आने के बाद में वहां पर भी अब कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और जिन जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव आए हैं वहां पर भी कुछ इन चीज़ों को लेकर ध्यान दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो अधिक नहीं बढ़े, संक्रमण नहीं अधिक नहीं फैले, उनको लेकर भी जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार जो काम किया जा रहा है। जी 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 तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद लोकेश।